हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। परंतु क्यों, अयोध्या के राम को लंका से क्या चाहिए? अपनी पत्नी। अपनी पत्नी अर्थात? लंकेश्वर उनकी पत्नी सीता को हर लाए हैं। सीता को हर लाए? साक्षात जगदम्बा को हर लाए? ऐसी दुर्बुद्धि उनके मन में कैसे उत्पन्न हुई? किसी ने उन्हें समझाया नहीं? महाराज, महाराज, सेनापति विरूपाक्ष, समय से पहले हमें जगाने का साहस तुमने कैसे किया? लंकाधिपति रावण कुशल से तो हैं। जी छोटे राजा, महाराज रावण सकुशल अपने महल में विराजमान है। तो फिर क्या है, लंका पर तो कोई विपत्ति नहीं आई? जी, अभी तक तो लंका पूरी तरह सुरक्षित है, परंतु अब उसकी सुरक्षा संकट में है। चारों ओर से सुग्रीव की वानर सेना ने घेर लिया है। वानर सेना ने घेर लिया है? परंतु वानर राज वाली के साथ तो हमारी संधि थी। वाली मारा जा चुका है, उसका छोटा भाई सुग्रीव वानर देश से सिंहासनारूढ़ है, और अयोध्या के बनवासी राजा राम की सहायता के लिए उसने अपनी सेना सहित लंका पर चढ़ाई कर दी है। वानरों ने लंका की राजधानी को घेर रखा है। परंतु क्यों, अयोध्या के राम को लंका से क्या चाहिए? अपनी पत्नी। अपनी पत्नी अर्थात? लंकेश्वर उनकी पत्नी सीता को हर लाए हैं। सीता को हर लाए? साक्षात जगदम्बा को हर लाए? ऐसी दुर्बुद्धि उनके मन में कैसे उत्पन्न हुई? किसी ने उन्हें समझाया नहीं? जी, आपके छोटे भाई विभीषण ने भरे दरबार में उन्हें यह बात समझाने का साहस किया था, तो महाराज रावण ने उन्हें लात मारकर राज्य से निकाल दिया। हैं? क्या शत्रु बहुत शक्तिशाली है? आज रणभूमि में राम ने न केवल लंकेश्वर का उपहास किया बल्कि उनका घोर अपमान भी किया है। निशस्त्र करके उन्हें यह कह के छोड़ दिया कि जाओ, अभी थक गए होंगे। मैं थके हुए निहत्ते शत्रु पर वार नहीं करता। महाराज रावण अपने भवन में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वाह, कुंभकर्ण जाग उठा। जी हाँ महाराज, श्रीमान कुंभकर्ण नगर से होते हुए आपके दर्शन के लिए पधार रहे हैं। श्रीमान कुंभकर्ण को देखकर नगर में उत्साह की लहर फैल गई है। अब तो चारों ओर उत्साह ही उत्साह दिखाई देगा। हम विलास भवन की छत पर जाते हैं, वीरवर कुंभकर्ण से वहीं मिलेंगे। तीनों लोकों का विजेता रावण, जिसके आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होकर रह गया, उस पर भी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है। कुंभकर्ण! शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। महाराज, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, स्वयं श्रीमान नारायण हैं, उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। भैया, शायद आप ये भूल गए हैं कि श्री राम से कई पीढ़ियां पहले इक्ष्वाकु वंश के एक राजा ने आपको श्राप दिया था कि जब स्वयं श्रीमान नारायण हमारे कुल में अवतार लेंगे, तब वह उसी न रूप में आपका विनाश करेंगे। वो बात भी भूल गए जो नारद ने मुझे बताई थी कि विष्णु ने राक्षसों का नाश करने के लिए अयोध्यापति दशरथ के घर जन्म लिया है। भैया, ब्रह्मा की बात भी भूल गए, फिर भी आप महारानी सीता का हरण कर लाए जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। हमें अपनी बहन के अपमान का बदला लेना था, हमारे भाई के वध का प्रतिशोध।
क्या हमारा कर्तव्य नहीं था? था तो उस कार्य को वीरों की भांति करते, चोरों की भांति एक स्त्री का हरण करके क्या आपका मस्तक गौरव से ऊंचा हो गया है? सूरपनखा मेरी भी तो बहन थी, आज मुझे जिस प्रकार उठाया है उस दिन यह हीन कार्य करने से पहले मुझे जगाते तो मैं आपको बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। कुंभकर्ण, यह समय शास्त्र सुनाने का नहीं है, हर बात अपने अपने समय पर ठीक लगती है। यही तो मैं कहना चाहता हूं भैया कि आपने उचित समय पर उचित बात नहीं की। नीति कहती है कि पुरुष को धर्म अर्थ और काम का सेवन उचित समय पर ही करना चाहिए, जैसे प्रातः काल धर्म का, मध्यान्ह काल में अर्थ सेवन का और रात्रि में काम सेवन का विधान है। इन तीनों में भी धर्म श्रेष्ठ है। अतः जहां अर्थ और काम का सेवन धर्म विरुद्ध हो वहां उन दोनों की उपेक्षा करके धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। सीता का हरण करते समय आपने धर्म और अधर्म की बात नहीं सोची। मंदोदरी भाभी और विभीषण की नीति और धर्मयुक्त बात नहीं सुनी। केवल अपनी काम वासना की पूर्ति का बहाना ढूंढा है आपने। इसी का यह फल है जो आज सारे लंकावासी भोग रहे हैं। एक गुरु या आचार्य की भांति हमें उपदेश सुनाना है तो जाओ, जाकर फिर से सो जाओ, हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। यह समय है संकट का, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है वही बात करो। मान लिया हमने भ्रम से नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया अपने चित्त के मोह में एक स्त्री का हरण कर लिया, मान लिया अपने गौरव और अहंकार में हमने किसी का परामर्श नहीं सुना। इन सब बातों की चर्चा करने से इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाएगा। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करता। इस समय इस क्षण क्या करना है उसका ही निश्चय आवश्यक हो जाता है। तो निश्चय कर लो कि तुम्हारा अपनी जाति के प्रति, अपने भाई के प्रति कुछ कर्तव्य है या नहीं। तुम हमें शास्त्र सुना रहे थे। अरे शास्त्र में तो यह भी लिखा है कि यदि भाई ने कोई पाप भी किया हो, वह अपराधी भी हो, तब उस संकट में जो उसका साथ दे वही भाई कहलाने योग्य होता है। अपराधी को तो शिक्षा सभी दे सकते हैं, परंतु भाई वही है जो संकट में साथ खड़ा रहे, सहायता करे, शिक्षा न दे। सोच लो, रावण के कारण ही सही, परंतु रावण के साथ राक्षस जाति का विनाश हो जाए यह तुम्हें स्वीकार है या नहीं? तर्क का समय नहीं है। यदि मन में कोई संशय है, यदि कर्तव्य का पथ साफ दिखाई नहीं देता तो युद्ध में जाने से कोई लाभ नहीं। जाओ, जाकर सो जाओ। रावण को अपनी आन निभाना और शान के साथ जीना और मरना दोनों आते हैं। जाओ।